الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. हर इंसान पर दो हालत पेश आती है, दो हालत हर इंसान को पेश आती है। कभी खुशी मिलती है तो खूब हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, बगलें बजाता है, है? और कभी परेशानी आ जाती है, फिर वही शख्स रोता भी है। यानी बेक वक्त दोनों कैफियत उस पर तारी होती हैं, खुशी के मौके पर हंसना और गम के मौके पर रोना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में दोनों को अलग अलग कर देंगे। हंसने वाले हमेशा हंसते रहेंगे, रोने वाले हमेशा रोते रहेंगे। जन्नत में जाने वाले हमेशा हंसते ही रहेंगे और दोजख में जाने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। फरमाया आसा अंत करहु शैअन, कि बाज मर्तबा ऐसे हालात इंसान पर पेश आते हैं कि दिल में तकलीफ होती है, सदमा होता है कि हमारे इतने मुसलमान भाई किस तरीके से घर से बेघर हो गए, कोई पहाड़ों पे पना लिए हुए, कोई बेचारा रोड के किनारे बैठा हुआ है। आफियत खत्म हो गई है, आफियत खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो उसी के अंदर से खुशी निकाल देते हैं, उसी में से खैर निकाल देते हैं, खैर पैदा फरमा देते हैं। इंसान को दो सवारी अल्लाह ने अता फरमाई, वो दोनों सवारी ऐसी है जो अल्लाह का कुर्ब नसीब करती है कि मुसीबत आई, परेशानी आई तो उस पर सब्र किया, और जब कोई खुशी मिली तो उस पर शुक्र अदा किया। तो सब्र और शुक्र, ये दो सैयारे ऐसे अल्लाह ने अता फरमाए हैं कि आदमी उस पर सवार हो जाए, तेजी से उड़ता हुआ अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। जो मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए हैं बेचारे, परेशानियों के आलम में हैं, घर बार तबाह हो गए, मकान तबाह हो गया, खानदान के कितने लोग शहीद हो गए, उनको सब्र करना चाहिए। रजा बिल कजा, रजा बिल कजा, कि जिस हालत में मालिक रखे उस हालत में खुश रहेंगे। जुनैद बगदादी एक गुलाम खरीद कर लाए, घर पहुंचे, पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता, गुलामों का कोई नाम नहीं होता, मालिक जिस नाम से पुकार ले वही उसका नाम होता है। अच्छा, पूछा कि तुम्हें लिबास कौन सा पसंद है जो तुम्हारे लिए तैयार कराया जाए, तुम्हारे लिए सिलवाया जाए? उसने कहा गुलामों का कोई लिबास नहीं होता, जो मालिक पहना दे वही उसका लिबास होता है। फिर पूछा कि तुम्हें गिजा कौन सी पसंद है, कौन सी खुराक पसंद है जो तुम्हारे लिए तैयार कराई जाए? उसने कहा गुलामों का कोई खाना नहीं होता, जो मालिक खिला दे वो इसका खाना होता है। बस चीख मार के बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। और मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसने कहा हजरत इतनी कीमत खर्च करके खरीद कर लाए, अभी तो मैंने खिदमत शुरू ही नहीं की, आपने मुझे आजाद कर दिया। फरमाया तूने मुझे अल्लाह की बंदगी सिखा दे, तूने मुझे अल्लाह की बंदगी सिखा दे, कि मालिक जिस हालत में रखे उस हालत में खुश रहे। जिनके घर तबाह हो गए उसके बावजूद आयजा अकारिब वो अपने घर पनाह दे देते हैं, दुनिया में आयजा अकारिब अपने घर बुला लेते हैं, कुछ दिन के लिए आ जाओ हमारे घर, तो परेशानी कम हो जाती है, दूर हो जाती है। ये दुनिया में तो मुतबादिल चीजें हैं, लेकिन आखिरत में कोई चीज मुतबादिल नहीं होगी। अगर आखिरी इम्तिहान में फेल हो गए उसके बाद फिर कोई जगह नहीं, जाए पना कोई नहीं होगी। तो जिसके घर के कुछ लोग चाहे शहीद हो गए, मकान बह गया है, जानवर मर गए, सड़कें टूट गई हैं, हर तरफ
आसाबी मसाइबी मसाइब परेशानियां हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर हूं। इसलिए कि कितने लोग ऐसे हैं कि पूरा खानदान ही तबाह हो गया, वो शख्स फर्द वाहिद अकेला बचा है, अकेला बचा है, है? इसलिए हमारे शेख फरमाया करते थे, जब कोई पूछे मिजाज कैसे हैं, खैरियत से हैं, कहो कि करोड़ों से बेहतर हूं, करोड़ों से बेहतर हूं। अस्पताल में गए, सामने कहा हजरत बहुत अजियत में हूं, पर मैं नहीं, शुक्र अदा करो, कहो करोड़ों से बेहतर हूं। जिगर काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहा है, नाक काम कर रही है, जबान काम कर रही है, सर से लेकर पांव तक दिमाग भी उसमें शामिल है, सब आजा काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा नजला जुकाम या कोई परेशानी आ गई तो ये कहो कि करोड़ों से बेहतर हो, करोड़ों से बेहतर हो। कितने लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, गुर्दे निकाले जा रहे हैं, किसी का जनाब दिल का ऑपरेशन हो रहा है, ओपन सर्जरी हो रही है, वो बेचारा अलग परेशान रो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों को अल्लाह ने बहुत सारी परेशानियों से बचाया हुआ है, बहुत सारी परेशानियों से बचाया हुआ। तो उन लोगों के लिए दुआ तो करें दिल से, और उनके साथ ताउन भी करें, मदद भी करें, लेकिन उनको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जिस हालत में भी आपने रखा उस हालत में हम खुश हैं, उस हालत में हम खुश हैं। सब्र जो है इसकी परवाज बहुत तेज होती है, इसी तरह शुक्र है इसकी परवाज भी बहुत तेज होती है कि रब्बे करीम आपने मकान तो ले लिया, मकान दोबारा बन जाएगा, मेरे आजा सर से पांव तक सही सालिम है, अगर ये नुक्स हो जाता कि आंखों से अंधा हो जाता, जबान से कुव्वत गोयाई खत्म हो जाती, कान से कुव्वत समाअत खत्म हो जाती, तो फिर मैं क्या करता। तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मकान तो फिर बन जाएगा, अल्लाह ताला मकान कहीं न कहीं से बनवा देंगे, इसलिए कि अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। जो मुसीबत इस वक्त पानी की वजह से सैलाब की सूरत में आई हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजें अपने कब्जे कुदरत में रखी, तीन चीजें अपने कब्जे कुदरत में रखी, उसमें इंसानियत का साइंस का कोई दखल नहीं है। आग, पानी, हवा, आग, पानी, हवा, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि दुनिया साइंस इस पे बेबस हो जाती है, बेबस हो जाती है। ब्राजील में आज से 40 साल पहले वहां के हुक्मरान ने कहा कि ये जो समुद्री लहरें आती हैं शहर में तबाही मचाती हैं, इसको 60 फीट ऊंचा बनाओ, फिर देखते हैं पानी कैसे आता है। गोया उसने अल्लाह से मुकाबले का दावा किया। अभी एक हफ्ता गुजरा था कि 120 फीट ऊंची लहर आई और ऊपर आने के बाद जितने मकान थे सबको मलियामेट करती वो पानी चला गया। तो पानी को तो कोई नहीं रोक सकता, जो रफ्तार होती है उसमें बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा ताकतवर वो ले सकता। इसी तरीके से आग, यहाँ पानी का वो है, सैलाबी सूरत हाल है, और यूरोप कहत के सूरत में कि हर तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ आग लगी हुई है, क्या कि 30 सेंटीग्रेड हो गया है। अब 30 सेंटीग्रेड तो हमारे यहाँ बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन मौसम है कि अल्हम्दुलिल्लाह न पंखा चलाने की जरूरत है न किसी चीज की जरूरत है, और उनके यहाँ इतने में आग बरसने शुरू हो जाती है क्योंकि अल्लाह के कब्जे कुदरत में। कितने सैकड़ों हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, केमिकल फेंक रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझती, आग नहीं बुझती। तो अल्लाह ताला ने आग, पानी और हवा, जब सुपर ताकत ने एक कॉलोनी ऐसी बनाई कि कितनी शदीद से शदीद हवा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं होगा, और उसको बाकायदा चेक करते रहे, देखते रहे, मशीनों से चेक करते रहे। अभी चंद माह गुजरे थे कि जनाब बारिश शुरू हुई और बारिश के साथ 250 की स्पीड से हवा,
और वो आके उन सब चीजों को उड़ाकर हवा में ले गई कि पता ही नहीं चला कहाँ गए। 98 में बांग्लादेश के अंदर तेज आंधी आई बारिश के साथ, 14 लाख आदमी 10 मिनट में दुनिया से रुखसत हो गए। शाही मस्जिद सिलेट की, जितने लोग फजर में वजू के लिए नीचे कपड़े नीचे किए हुए थे, जहां जहां वो हवा लगी वो जल के कोयला बन गया। कहते हैं कि हवा की रफ्तार जब बढ़ जाती है 140-150 के बाद शरारे पैदा, आग के शरारे पैदा होते हैं, जो चीज खुली हो उसको आग लग जाती है। इसीलिए देखिए ना, इंजन के अंदर पानी डाला जाता है, वो सर्कुलेशन होती रहती ताकि ठंडा रहे। हवाई जहाज है तो वो -30-35 में तो पहले ही उड़ता है, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला उसको ठंडा रखते हैं, वरना क्या हालत हो जाए। तो आग और पानी और हवा, ये तीन चीजें अल्लाह ने अपने कब्जे में रखी है, इंसानों को उस पर कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए इस किस्म के अजाबों से पनाह मांगनी चाहिए। लोगों को चाहिए था कि रुजू इल्लाह बढ़ा देते, मस्जिदें फुल आबाद हो जाते, दो दो रकात पढ़ के अल्लाह से मांगते के गिराते, तो अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर देते। अब शुरू तो किया है, लोग माशाल्लाह काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो मुसीबत उन पर आई थी वो जब गुजर जाएगी तो खुशियां मिलेंगी, फिर वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इम्तिहान था वो सर से टल गया, जो इम्तिहान आया था वो सर से टल गया। यहाँ रोना है कि महंगाई इतनी बड़ी हो गई, 500 रुपए किलो गोभी हो गई है, तो फला चीज तुरई जो है 600 रुपए की 2 किलो हो गई, लेकिन एक महीने के बाद इंशाल्लाह ये सब 15-20 रुपए पे आ जाएगी, क्योंकि नई फसल तैयार शुरू हो जाएगी, पानी जो है उसकी प्यास अल्लाह ने बुझा दी है। और उन मुल्कों में कहत पड़ने का खतरा है, यूरोप में जहाँ शदीद आग लगी हुई है, कहते हैं अब उल्टा हो गया सारा मामला। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मंगोलिया की तरह खुश साली में मुब्तला हो जाएगा, तो यहाँ अल्लाह ने इतनी बारिश कर दी कि पानी काबू में नहीं आ रहा है, और वहाँ इतनी आग की बारिश कर दी कि वो जनाब आग ही नहीं गुजरे है। तो इम्तिहानात हर इंसान पे आते हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं, कभी किसी चहेते को उठा लिया, बेटे का इंतकाल हो गया, कभी किसी और चहेते का इंतकाल हो, उस पर यही है कि सबर करे। आप सल्लम के साहबजादे का जब इंतकाल होगा, وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ, आपने गम का इजहार किया और रोए भी थोड़ा सा, यानी रोने की भी इजाजत है थोड़ी, ताकि गम हल्का हो जाए। तो मसाइब सब पर आते हैं, सबसे ज्यादा मसाइब जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए। सारी दुनिया के मसाइब एक तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मसाइब आए वो एक तरफ, कि आज कोई हमारे ऊपर बकरी की उजड़ी रख दे तो क्या हालत होती। आप सल्लम के जिस्म मुबारक पुश्ते मुबारक पर ऊंट की उजड़ी कितने लोग उठा के लाए होंगे, ला के रख दिया पड़े हुए सजदे में है? लोग पत्थर मार के ताइफ के बाजार में खूनम खून कर दिया, बद्दुआ नहीं दी। फरमाया क्या हाल होगा ऐसे कौम का जो अपने नबी को भी नहीं पहचान पा रही है। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इजाजत दीजिए इन पहाड़ों को मिला दे ताकि ये पिश्क खत्म हो जाए, पर मैं नहीं, हो सकता है इनके औलादों में आइंदा आने वाले लोगों में इस्लाम कबूल कर लें। तो हरीस आप हरीस थे हमारे ईमान के, ये लोग सब इस्लाम कबूल कर लें, जन्नत में जाने के काबिल हो जाए। तो ये जो मसाइब आए हुए हैं सब, ये हम सब का इम्तिहान है, किस्म का हम सब का इम्तिहान। हम कहते हैं फलां की वजह से हो गया, फलां की वजह से नहीं, हम सब की बदामालियां उसमें शामिल है कि हम अल्लाह को याद तो करते हैं लेकिन दिल हाजिर नहीं होता। जबान से सब कुछ कह लेते हैं
लेकिन कल्ब की गहराई से जैसी दुआ मांगनी चाहिए है। हम देखिए जब आज इमदादुल्लाह महाजिर मक्की नवर अल्लाह मरकदहु जिक्र कर रहे थे, अंग्रेज आया बाहर चारपाई पे, कुतुबुल आलम मौलाना कासिम नानोते रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं एक तरफ, वो सीधा कमरे में दाखिल हुए, पूरे कमरे को छान मारा, हजरत की आवाज भी बंद हो गई। ये लोग परेशान थे कि भी कुछ पता नहीं शेख का क्या बना होगा। उसके बाद जब निकल के मौलाना कासिम नानोती को भी ढूंढ रहे थे, पूछा कासिम को देखा, तो वो सराहने से पैंती आगे बैठ गए, कहा थोड़ी देर पहले यहाँ बैठा था, तो उनका दौड़ लगाओ जल्दी, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो उधर गए तो फिर अंदर से आवाज शुरू हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये सब दौड़ के गए कि हजरत ये क्या माजरा है, ये तो इतने उसके साथ आए थे कि आपको आज लेके जाएंगे। फरमाया कि जिक्र के दौरान मुझे महसूस हुआ कि ऐसे लोग कुछ दाखिल हो रहे हैं, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, या बातिन या बातिन, अल्लाह ने मुझे गायब कर दिया, छुपा दिया। और जब वो चले गए, उनके कदमों की आहट, घोड़ों की टाप दूर हो गई, तब मैंने कहा या जाहिर, अल्लाह ने मुझे जाहिर कर दिया। ये कहना सुनना आसान है, लेकिन खल्क की क्या किस कैफियत से कहा, वो कैफियत हमारे पास नहीं, वो कैफियत हमारे पास नहीं। काश कि हमारे कुलूब में वो कैफियत पैदा हो जाए, वो कैफियत पैदा हो जाए। तो जो हालात चल रहे हैं इसमें, अपने मुल्क के लिए, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसमें लाखों लाखों मुसलमानों का खून इसकी बुनियादों में जज्ब है, इसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। चूंकि कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ है, रब करीम अपने कलमे के इलाज रखते हुए इस मुल्क की हिफाजत फरमा, यहाँ की तजारत ज़राअत दिफाई क़ुव्वत में इसको खुद कफील बना दे, और हर किस्म के शर से, हर किस्म के फितनों से इसकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह ने इस मुल्क में चारों मौसम भी दिए, तीन मौसम होते हैं या चार मौसम होते हैं, और हर नेमत अल्लाह ने पैदा की। एक फल जाता नहीं कि ठेले भरे हुए क्या सबके जनाब गुलाबी चेहरे, नए क्या जी सेब आ गया नया वाला है, इधर आम थोड़ा सा पीछे हटा तो जनाब पपीते साहब भी सीना तान के आ गए, चले अब मिठास आ गई, अब खा के देखो जरा कितनी नेमतों की अल्लाह बारिश कर रहा है। लेकिन हम नाकदरे हैं, कदर नहीं करते। और जो हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनको अपने गुलामी के लिए कबूल फरमा लें। अगर अल्लाह ताला उनको अपनी गुलामी के लिए कबूल फरमा लेंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क का बेड़ा पार होगा। कब तक लोगों से मांगते रहेंगे, कब तक मांग के खाते रहेंगे। उस रब्बे करीम से मांगना चाहिए। सहाबे किराम ने कभी किसी के सामने सवाल नहीं, फाके पे फाके चल रहे, बस दो रकात पड़ा है। जब जंगे खंदक के मौके पर सहाबे किराम खंदक खोते खोते, हफ्ता गुजर गया, भूख से बुरा हाल था, तो एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बारगाह रिसालत में पहुंच कर अपना कुर्ता उठाया, कहा या रसूलल्लाह पेट पे पत्थर बन चुका है भूख की वजह से। आप सल्लम ने ये नहीं कहा कि हजरत उस्मान गनी को बुलाओ कि 1000 बकरियां लाए ज़बह करके खिलाए, बहुत अल्लाह ने दिया था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह को बुलाए, नहीं, क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा फ़ग़फ़िर अल-अंसार वल-मुहाजिर। ऐ अल्लाह कोई आयश नहीं दुनिया में सिवाय आखिरत के आयश के, ऐ अल्लाह तो मक्के वालों मदीने वालों की मग़फ़रत फरमा दे। फिर अपना शिकम मुबारक खोल के दिखाया तो दो पत्थर बांधे गए जिनकी वजह से इस कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा, इस कायनात को अल्लाह ने आप ही की वजह से वजूद बख्शा। तो आपकी ये कैफियत कि जो मुजाहदात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तो आज कोई मिसाल ही नहीं है। उस जमाने में ऐसे
वसाइल नहीं थे कि लोग पहुंचाते, किसी की मदद करते, किसी का कुछ करते, कुछ नहीं, बस अपने अल्लाह से लो लगाए हुए, उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं। कुर्ता लंबा पहना हुआ तो तहबंद नहीं है, तहबंद पहनी तो कुर्ता नहीं है, लेकिन मस्त है बिल्कुल, न किसी का खौफ है सिवाय अल्लाह के खौफ के। जब कैसर किसरा की फतूहात के बाद एक सहाबी को भेजा गया तो जाकर बादशाह के साथ तख्त शाही पे बैठ गया। अब वो देख के फटे पुराने कपड़े और तलवार भी उसने पुराने कपड़े में लपेटी हुई है, तो बड़ा गुस्सा आया बादशाह को। उसने कहा कि ये खुश खाल वाले, जिनको खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं है, इनकी जरूरत कैसी हुई? तुम लोग इतने जर्ख बर्ख लिबास के अंदर दोनों तरफ गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने वाले खड़े हैं। कहा कि तुम्हारी तुम्हें खिला खिला के सांड बनाया सब वक्तों है, काजू पिस्ता बादाम और पता नहीं क्या क्या अला बला होगी उस जमाने में, इतना खिलाया तुम इस शख्स को रोक नहीं सके। तो सिपा सालार ने कहा गुस्ताखी माफ, जो दिल इसके सीने में है वो हमारे सीने में नहीं है। इसके सीने में आप सल्लम की सोहबत की बरकत से शेर वाला दिल है, और हमारे अंदर सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी लोमड़ी वाला दिल है। शेर जो है जंगल में कदू कदू शिकार करता है, लेकिन जब देखता है कि रेवड़ पूरा है तो जमीन के साथ मुंह लगाकर और जोर से धाड़ मारता है, यहाँ तक कि 18 से 24 इंच गड़ा पड़ जाता है, वो मिट्टी निकल के इधर उधर हो जाती है, इतना प्रेशर उसके। माइक में जैसे आवाज तेज निकलती है तो ये बचपन से शेर गोश्त खाता है, गोश्त के अंदर जो बाल होते हैं अल्लाह उसको अलग कर देते हैं अल्लाह ताला, और वो चिपकते चिपकते बॉल फुटबॉल बॉल बन जाती गेंद। तो जब बोलता है तो एकदम मुंह के करीब आती है तो आवाज इतनी दूर जाती है, कई किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, तो वो सारे उसकी आवाज से बेहोश हो जाते हैं, आवाज ही से बेहोश हो जाते हैं। आज हमारे नौजवान बिल्ली भी कहीं उछले तो कहते हैं अरे शेर आ गया, शेर आ गया है। तो ये जो परेशानियां चल रही है, अल्लाह ताला खुसूसी फजल करते हुए हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। उनसे बताया जाता है कि आज से 20 साल पहले आपकी क्या आमदनी थी? कहते हैं 2000 रुपए तनख्वाह थी, खूब अच्छा खाना चल रहा था। क्या खाते थे? गोश्त रोटी। और आप क्या खाते हो? अभी गोश्त रोटी। मैंने कहा अब तो यकीन आ जाना चाहिए कि खिलाने वाले जात अल्लाह की है, खिलाता अल्लाह है, वरना तो सब मर जाते हैं। बिजली का बिल आसमान पे जा रहा है तो फला जी इसका बिल, हम लोग जाके कहते कम वक्तों इतना बिल क्यों भेजते हो? उन्होंने कहा तुम ही लोग तो कहते हो कि हम काम नहीं करते, तो हम कम से कम बिल तो भेजते हैं, कुछ तो काम करते हैं है? वो कहते हैं तुम लोग काम नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोते गाते काम भी चल रहा है, बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, पंखे भी चल रहे हैं। फैज साहब हम इन चीजों का वजूद ही नहीं था, सुकून के साथ जिंदगी गुजारते थे, अब हम चाहते हैं याशी भी करें और साथ साथ सुकून के साथ रहें बिल्कुल। एक जगह जाना हुआ तो वहां लालटेन की रोशनी में पूरा मुल्क लालटेन की रोशनी, ऐसी जबरदस्त बरकतें अल्लाह की रहमतें, कोई बिल नहीं किसी का, सब चीज माफ है। लेकिन हमारे यहाँ यकीन जब तक एसी, आजकल तो बच्चा भी साल के बाद बोलना शुरू करता है, पहले अल्लाह कहते हैं दादा बू एसी मंगाओ, एसी लगाओ। जब तक एसी ना हो वो उसको भी नींद नहीं आती है। तो इस किस्म के इम्तिहान से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो ये जो इम्तिहान हुआ है, अल्लाह अब खुसूस फजल करम का मामला फरमाते हुए अल्लाह ताला रहमतों की बारिश फरमा दे। अभी जो बारिशें चल भी रही कुछ इलाकों में, अल्लाह उसको जहमत की बारिश के बजाय रहमत की बारिश बना दे कि आइंदा हमारी फसलें अच्छी हों, और फिर आइंदा के लिए ये सारी चीजें अल्लाह ताला महज अपने फजल करम से सब चीजों की अल्लाह हिफाजत फरमा दे।
इसलिए कि अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है। इन दुनिया खुलिकत लकुम व खुलिकतुम लिल आखरा, अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया, अपनी मार्फत के लिए, कि पूरी कायनात हमारे लिए पैदा की और हमें आखिरत की तैयारी की फिक्र। आजकल देख लें क्या हालत है, जब से ये अजाब आया और फजर की नमाज में 2-3 सफे होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू करते हैं। माशाल्लाह चलो मगरिब है, जोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है, इसमें तो भरी रहती है मस्जिद, लेकिन फजर में सब खर्राटे मारते रहते हैं, हालांकि इसकी फिक्र करनी चाहिए, जमात की नमाज इसकी फिक्र करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, लेकिन फरमाया कि जो लोग नमाज घरों के अंदर पढ़ते हैं बगैर किसी उजर के, तो जी चाहता है कि इमामत कोई और करे और मैं उनके घरों को आग लगा लूं। बताइए कितना। फिर आप आखिर में जब तशरीफ लाए बीमारी की हालत में, तो एक साहबी ने यहाँ से, कदम मुबारक जमीन पे टिक नहीं रहे थे, घिसटते हुए आ रहे थे, लेकिन उम्मत को बता दिया कयामत तक के आने वालों को कि इतनी मोहतम विशान चीज है नमाज, इसका ख्याल रखना। आज जिसको देखो जी, मैं तो घर पढ़ता हूँ बस, जाते ही नहीं मस्जिद में। इमाम साहब कभी 1 सेकंड पहले आ जाते हैं, कभी 5 सेकंड लेट आते हैं, तो मैं इसलिए आजकल अइमा को तंग करते हैं ना लोग। एक मस्जिद में इमाम को हमेशा तंग किया जाता था, 3 महीने से पहले उसको फारिग कर दिया जाता था। अचानक एक मुतबहर आलिम आ गए, उन्होंने देखा कि सारे प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ, तो आयन जब सेकंड की सुई पहुंची वक्त दाखिल हुआ, फौरन जाके वजू शुरू किया। अब सारे बूढ़े खांसते हुए आए हुए, मौली साहब जी आंखें हैं, बटन है, नजर नहीं आता आपको, क्या हुआ, क्या परेशानी, क्या है? टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया, अच्छा चलो चलो, उठ गए, जाके मसल्ले पे खड़े हुए, कहा तकबीर को, मैं नमाज पढ़ा दूं। कहा आपने वजू तो किया ही नहीं। कहा भाई तुम्हारा टाइम ना निकल जाए इसलिए मैं तुम्हारी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं वजू करके बकिया को पढ़ाऊंगा। फिर इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने दोबारा, किसी ने आवाज नहीं निकाली। यहाँ एक साहब आए कि यहाँ इस मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। सदर कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो कमेटी कहाँ है? मैंने कहा मैं हूँ। कहते फिर किससे शिकायत करूँ, आप तो 3 मिनट लेट आए। 3 मिनट लेट आए? मैंने कहा कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगी है कि वे तो खला बैठते ही सारे हो गए ऑटोमेटिक, जनाब पानी आ गया और वजू करके पहुंच गए। इंसान है, आगे पीछे, पहले जमाने में घड़ी भी नहीं होती थी, बगैर घड़ी के। फिर कहना अच्छा, मैंने कहा देखिए मैंने नहीं बुलाया घर से आपको कि आप नमाज यहाँ पढ़े, आप बाहर से देख लें इसका बोर्ड, कहीं भी पढ़े। कहने नहीं पढ़ूंगा तो यही। मैंने कहा अच्छा पढ़ूंगा यही, अभी तक आते हैं वो है। तो अल्लाह ताला ये मसाइब जो आए हुए हैं, अल्लाह ताला इसको दूर फरमा दे और इनके साथ तआवुन करने के लिए सदका जारिया बन जाएगा, सवाब मिलेगा। अपने मुसलमान भाई की मदद करना है। अल्मुमिनून का रजुल वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु, इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। आंख में तकलीफ होती है, आंख छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसकी वजह से सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, परेशान होता है, इसी तरीके से जिस्म के बहुत से आजा है कि वो उसकी तकलीफ से पूरे जिस्म के अंदर तकलीफ होती है। ऐसी पूरे अर्थ पर किसी मुसलमान को कोई भी अजियत हो, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको है। आजकल क्या करते हैं कि भाई बैंक से लोन ले लो ताकि सारी जिंदगी उसी में फंसे रहो, उसी मुसीबत में फंसे रहो है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा दे और हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। और हम चूंकि इत्तेदाद का दौर चल रहा है, बच्चे
अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं यूरोप वाले इनको मुर्तद बनाने के लिए, मुर्तद बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला हमारी आइंदा नस्लों की भी हिफाजत फरमाए, खुसूसी कर्म का रहम का मामला फरमा दे। ऐसे ऐसे प्रोग्राम नए जदीद लेटेस्ट स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे सवाल पैदा किए जाते हैं कि वो बच्चा उलझ जाता है कि है ये सच कह रहा है या वो सच कह रहा है, है? ये सच कह रहा है या वो सच कह रहा है, है? वो हम जी वो कहता है कि दुनिया में कहीं भी हो बेतुल्ला की तरफ करके नियत बांध लो, नियत कर लो बस तुम्हारी नमाज हो जाएगी, है? अजीब अजीब मसाइल है। तो ऐसे शयातीन को खरीद करके तैयार करते हैं कि ताकि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उनके अंदर दिलों में शकों को शुबहात पैदा करने के लिए पूरी पूरी टीम बनी हुई है। वो जाते हैं हर मस्जिद में। इमाम साहब जी, आदम अली सलाम के अब्बा का नाम क्या था? अरे भाई तुझे इसकी क्या फिक्र पड़ी है, है? जो जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से है वो कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ तुझसे सवाल नहीं होगा, तुझसे तो तेरे बारे में सवाल होगा कि नमाज वक्त पे पढ़ी थी या नहीं, रोजा रखा था या नहीं, ज़कात अदा की थी या नहीं, तुझे तो तेरे बारे में आदम अली सलाम के अब्बा या हव्वा अली सलाम उनके बारे में सवाल नहीं होगा। चुप होके चले जाते हैं, वरना बाद इतना तंग करते हैं लोगों को, वो बेचारे परेशान, ये किताब देख रहे वो किताब, मैंने कहा किताब देखने की जरूरत नहीं, ऐसा इल्जामी जवाब दो कि खुद भी परेशान रहे। तो अल्लाह ताला हम सबके साथ फजल का करम का रहम का मामला फरमा दें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب كريم. يا مسلمان بھائی جس مصیبت میں مبتلا ہے، اے رب کریم ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دے یا رب کریم، ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دے یا رب کریم، غیب سے انتظام فرما دے یا رب کریم، غیب سے انتظام فرما دے یا رب کریم، غیب سے انتظام فرما دے یا رب کریم، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دے، جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے نیک رشتے عطا فرما دیں، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں یا رب کریم، ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیں، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں یا رب کریم، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں یا رب کریم، ہم گناہگار نہیں بلکہ مجسم گناہ ہیں، لیکن تو کریم ہے، اپنے کرم کے صدقہ تو فعل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے رب کریم، ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے، حال کو درست فرما دے، مستقبل کو تابناک بنا دے یا رب کریم، تو کریم ہے، تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ، یا رب کریم، تو ستار العیوب ہے، اے رب کریم، ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے یا رب کریم، تو غفار الذنوب ہے، اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، جتنے لوگ اس پانی سیلابی اس میں شہید ہوئے ہیں اے رب کریم، سب کو بلا سوال جواب مغفرت فرما دیجئے، اپنے آغوش رحمت میں لے لیجئے، گھر والوں کو ان کے صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے، رضا بالقضاء کا مقام ان کو عطا فرما دیجئے اے رب کریم، رضا بالقضاء کا مقام عطا فرما دیجئے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.